दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस टाइप से AI 3D पिक्स को बनाना चाहते हैं, जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हैं, अपना नाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं और कुछ ऐसी पिक्स जो है आप बना सकते हैं। अगर आप एक बॉय हैं या गर्ल हैं तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे पिक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है कैसे एक बॉय या गर्ल की जो है यहाँ पे AI 3D पिक्स बना सकते हैं, या अगर आप कपल वाली पिक बनाना चाहें तो वो भी गाइज आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं बड़े ही आराम से। तो कैसे गाइज आप जो है ये सारा कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है गाइज बिंग। यहाँ पे देख सकते हैं बिंग एप्लीकेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगा। और यहाँ पे गाइज ये जो एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का ये ब्राउजर है और इसमें गाइज अभी जो है एक फीचर आ चुका है जिससे आप जो है AI पिक्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे बिंग लिख के आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं अभी ये GPT-4 यानी ChatGPT-4 को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे गाइज सबसे पहले चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है। अगर आपको नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे बनाते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। नीचे के साइड में आपको को पायलट का एक ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में GPT-4 को यहाँ पे ऑन कर लेना। जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक आपकी पिक जो है क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे GPT-4 को ऑन कर लेना। इसके बाद में गाइज यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट जो है लिखना है। अब ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली चलिए मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में गाइज यहाँ पे आप अपना नाम जो है एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला नाम रखा है, आप चाहे गाइज यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गाइज आप जो है अपना खुद का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में सेंड कर देना है, थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो यहाँ पे पिक्स जो है 4 टाइप्स की पिक्स जो है यहाँ पे आपको क्रिएट होके मिल जाएंगी। अब आपको जो भी पिक गाइज सेव करना है उस पिक पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है, आपकी पिक जो है वो जूम हो जाएगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइज जैसे मुझे ये वाली पिक सेव करनी है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको जो है नीचे की साइड में 3 डॉट जो है देखने को मिल जाएगा और इस पर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो आपकी पिक जो है डाउनलोड हो जाएगी, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितनी कमाल की पिक्स जो है इसने क्रिएट की है विंग्स के साथ में। और यहाँ पे बैकग्राउंड गाइज आप देख सकते हैं कितना कमाल का जो है लग रहा है, आपका नाम भी यहाँ पे लिख के आएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बॉय की जो है पिक को क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइज मैंने बॉय वाला जो प्रॉम्प्ट है वो भी लिख दिया है और यहाँ पे अपना नाम जो है यहाँ पे राहुल डाला है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना है, इसके बाद में यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हैं पिक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर आपको वेट करना है। और यहाँ पे ये 4 टाइप से आपको पिक जो है दिखाएगा। अगर आप इनमें से आपको कोई पिक पसंद नहीं आती है तो अगेन से आपको वही प्रॉम्प्ट डालना है, अगेन से फिर से करना है, तो फिर से आपको डिफरेंट पिक आएगी। हर बार आपको यहाँ पे रैंडम जो है पिक देखने को मिलेगी क्योंकि ये AI जनरेटेड पिक है। तो यहाँ पे गाइज हर बार आपको रैंडम कुछ ना कुछ ये अलग से जनरेट करके देगा। यहाँ पे आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड में अगर आपको गिटार ऐड करना है या कार ऐड करना है वो सब कुछ आप लिख सकते हैं कि बैकग्राउंड में मुझे कार चाहिए या गिटार चाहिए या कुछ और चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं कपल वाला भी आपको करके दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं मैंने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में यहाँ पे सिंपली सेंड कर दूंगा, तो अब जो पिक क्रिएट होगी गाइस वो यहाँ पे कपल वाली पिक जो है क्रिएट होगी। यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, उसके बाद में गाइस यहाँ पे रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पिक जो है कितनी कमाल की पिक जो है यहाँ पे क्रिएट हुई है। और यहाँ पे जो नाम था उस पर मैंने रोज और जैक डाल दिया था, आप अपने हिसाब से कोई भी अगर आपका जो भी नाम हो गाइस वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कमाल की पिक जो है इसने क्रिएट की है। जो भी पिक आपको चाहिए भाई उसको आप जो है सिंपली जो है डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक जो है ये क्रिएट करता है। तो अब गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ये जो पिक मैंने क्रिएट्स किए हैं इनका जो प्रॉम्प्ट है गाइज वो आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट अगर आपको चाहिए गाइज तो आपको मेरे इंस्टाग्राम ID पे आना है, मुझे फॉलो करना है। मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, या तो गाइज आप मेरा नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम, और टेक्नोरेंज ऑफिशियल लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की ID आ जाएगी। मेरे बायो में जाना है गाइज, और यहाँ पे बायो में ही आपको वन मोर लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहीं पे गाइज आपको जो प्रॉम्प्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कोई सा भी क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।